बीते कुछ दिनों में इंग्लैंड में क्रिकेट की दुनिया के सभी रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। अभी हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट की मेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर में 481 रन ठोक डाले। इसके बाद इंग्लैंड की महिला टीम ने T20 का सर्वाधिक टोटल खड़ा कर दिया। आपको बता दें, इन रिकॉर्ड्स के बाद इंग्लैंड में ही एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है। दरअसल अब जो रिकॉर्ड इंग्लैंड में बना है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लेकिन क्लब मैच में बना है। ये रिकॉर्ड अपने आप में ही काफी अद्भुत है। दरअसल इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर के पीटरबोरो क्लब ने हाई वाइकोप क्रिकेट क्लब को जीत की स्थिति से हार के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि हाई वाइकोप टीम मैच जीत गई है, लेकिन पीटरबोरो के गेंदबाजों ने मैच में सिर्फ एक रन देकर आखिरी के 7 विकेट चटका दिए। दरअसल जब हाई वाइकोप को मैच जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे और उनकी टीम के 7 विकेट बचे थे, तब पीटरबोरो के कप्तान ने गेंदबाजी का जिम्मा दिया तेज गेंदबाज केरन जोन्स को। जोन्स ने 4 गेंदों में 4 विकेट चटका दिए और इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया। आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी 16 साल के ऑफ स्पिनर डेनियल मलिक को दी गई। इस 16 वर्षीय गेंदबाज ने भी इस ओवर में मात्र 1 रन देकर 3 विकेट चटका दिए और मैच हाई वाइकोप से चुरा लिया। इसी के साथ पीटरबोरो ने ECB नेशनल क्लब चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया।